हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, जिसे शुरू में द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लड़ाई थी और आगे 100 सालों तक फिर ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे वर्ल्ड वॉर वन का नाम दे दिया गया। इसे वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई देशों की आपस में एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर वन 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। यह युद्ध दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पहला ग्रुप था एलाइड पावर्स, जिसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएस था, और दूसरा ग्रुप था सेंटर पावर का, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, जहां आज टर्की स्थित है। यह दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन देशों के आपस में किस तरह से क्या समझौते हुए थे, और यह समझौते पूर्णतः गुप्त थे ताकि किसी और देश को पता न चल पाए। तो पहला समझौता था ट्रिपल अलायंस। ये जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1882 में हुआ था, जिसके अनुसार किसी एक देश पर हमला होने पर तीनों देश उस देश पर हमला करेंगे। दूसरा समझौता ट्रिपल एंटोंट, ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हुआ था। शुरुआत में 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन का आपस में समझौता हुआ था, और बाद में इन दोनों का रशिया के साथ भी समझौता हो गया था। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। वैसे तो उस दौर में सभी देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का बड़ा कारण था डेथ ऑफ आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914। यह शख्स ऑस्ट्रेलिया हंगरी का राजकुमार था और जल्द ही राजा बनने वाला था। एक बार ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी के एक ताराजेवा नाम के शहर में घूमने के लिए आए थे। ताराजेवा शहर अबोसिया में है, जहां एक ब्लैक हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रिंस की मौत से लोग भड़क गए थे और सर्बिया को धमकी देने लगे। सर्बिया बोस्निया के पास का एक देश है, जहां के अधिकारियों ने बोस्निया के प्रिंस को मरवा कर बोस्निया को आजाद कराने की साजिश की थी। जुलाई क्राइसिस, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने बिना युद्ध किए सर्बिया को अपने हवाले होने के लिए कहा, तो सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी, क्योंकि इन दोनों देश में एक ही सेल्विक लोग रहते थे और रशिया भी इस मैटर के बीच में आना चाहता था। तो फिर ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने भी जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि 1882 में इनके बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी का साथ देने को तैयार हो गया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब 28 जून प्रिंस की हत्या के बाद शुरू हुआ था। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला करने की घोषणा कर दी, तो रशिया ने भी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, और कुछ दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि रशिया और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था। इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में भी एक समझौता हुआ था, पर इटली ने यह कह दिया कि उसका समझौता सिर्फ डिफेंस के लिए हुआ था, ना कि अटैक के लिए, तो वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ नहीं देगा। अब जुलाई के बाद युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1914, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया, क्योंकि रशिया की मिलिट्री बड़ी थी, इसलिए वह पहले फ्रांस को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेल्जियम से होते हुए फ्रांस पर हमला कर दिया। जर्मनी की सेना जैसे ही बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसी, तो ब्रिटेन ने भी जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में एक संधि हुई थी कि ब्रिटेन को बेल्जियम की रक्षा करनी होगी। ब्रिटेन ने अपनी सेना को फ्रांस में भेजा। जर्मनी फ्रांस में तो घुस गया, लेकिन ब्रिटेन की सेना की वजह से वह उसे हरा नहीं पाया। लेकिन दूसरी ओर जर्मनी ने रशिया के 300,000 सैनिकों को मारकर रशिया को पीछे खदेड़ दिया था। इसके बाद ओटमन एम्पायर ने रशिया पर हमला कर दिया, क्योंकि वह दोनों देश एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे और एक दूसरे पर राज करना चाहते थे। और इसका दूसरा बड़ा कारण था कि रशिया जिस समुद्री रास्ते से दुनिया से जुड़ा हुआ है, वह रास्ता ओटमन एम्पायर की ओर से डार्डिनल स्टेट से होकर जाता है, तो रशिया चाहता था कि ओटमन एम्पायर उसके रास्ते का रोड़ा ना बने, इसीलिए इनके आपस में युद्ध शुरू हुआ। बैटल ऑफ ज़ोम, जो कि 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला। इसमें एलाइट पावर के एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए, जिसमें ज्यादातर ब्रिटेन के ही थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनी पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वॉर शुरू हुआ, और जर्मनी की बनाई हुई सबमरीन ने अलाइट शिप्स पर हमला शुरू कर दिया। पहले तो जर्मनी अलाइट शिप्स पर ही हमला करता था, लेकिन फिर उसने पैसेंजर शिप्स पर भी हमला शुरू कर दिया, जिसमें
जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों से भरे शिप पर जर्मनी ने हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद गया था, क्योंकि इस हमले में अमेरिका के बहुत से लोग मारे गए। अब अमेरिका हर दिन अपने 10,000 सैनिक ब्रिटेन भेज रहा था जर्मनी से लड़ने के लिए। और वहीं दूसरी ओर फरवरी 1917 में रशिया में एक नई सरकार बनी। फिर अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई, जिसमें लेनिन नाम के एक नेता ने पावर में आने के बाद जर्मनी के साथ एक समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। लेकिन यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के बीच युद्ध चल रहा था। वहीं एलाइट पावर ने लगातार हमला करके सेंटर पावर जर्मनी, ओटमन एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया हंगरी को हरा दिया और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर जर्मनी से साइन करवा लिए। आखिरकार इस युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को माना गया और जर्मनी पर बहुत सारे फाइन लगा दिए गए, जिसे वह चुका नहीं पाया। हाल ही में 2010 में जर्मनी ने अपने सारे फाइन चुकाए। इस युद्ध के बाद जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर, ओटमन एम्पायर सब खत्म हो गए थे। इस युद्ध में करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद कई बीमारियां फैली, जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए। जर्मन कॉलोनी अब फ्रांस और ब्रिटेन की हो गई थी। भारत जो कि ब्रिटेन का गुलाम था, तो इस युद्ध में करीब 1,300,000 भारतीय सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े और जिसमें से 50,000 सैनिक मारे भी गए। और इसके लिए ही इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आपको ये जानकारी कैसे लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।